हमेशा से हस्तिनापुर के महल में कौरवों और पांडवों के मध्य मनमुटाव आक्रामक रूप लेता जा रहा था। उधर काल एक नया अध्याय लिख रहा था। पांडवों की माता का एक और पुत्र था और यह किसी को भी ज्ञात नहीं था। यही पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण थे। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसानी जन्म नहीं था, किंतु फिर भी उनका पूरा जीवन काल केवल कष्ट से ही भरा हुआ था। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे कि क्यों कर्ण सबसे बदकिस्मत योद्धा थे। और हमारे साथ बोलें राधे राधे। माता का प्यार। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का भी स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तुझे प्रसाद के रूप में पुत्र देगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र देकर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया और उसी क्षण सूर्य देव वहाँ प्रकट होकर बोले, देवी मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी को भी नहीं कह सकी और लोकलाज के डर से कुंती ने कर्ण को एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। अब देखिए एक नन्हा सा बालक जिसको माँ की ममता की छाव में होना चाहिए था उसके साथ जन्म उपरांत ही ऐसा अन्याय, ये तो बस शुरुआत थी। आगे आगे जीवन के हर मोड़ पर कर्ण को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अधिरथ द्वारा पालन पोषण। बालक भैदा हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। तभी उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के रूप में पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने मिलकर कर्ण को अपने पुत्र की भांति स्नेह दिया और उसको पाल पोस कर बड़ा किया, किंतु ये स्नेह भी ज्यादा दिनों तक कर्ण को ना मिल सका। शिक्षा के लिए संघर्ष। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिलने गए जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने भगवान परशुराम से संपर्क किया जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। भगवान परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात किया, किंतु कर्ण को उनके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। तभी एक दोपहरी गुरु परशुराम कर्ण की जंगा पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंगा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो जाए इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहते रहे। कुछ देर के बाद गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंगा से बहुत रक्त बह रहा है। तब उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सहले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और भगवान परशुराम ने कर्ण को मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण जो कि स्वयं से नहीं जानते थे कि वे किस वंश से हैं, उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोध व श्राप देने पर उन्हें गिलानी हुई पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया
और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, यानी अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। मतलब जैसे तैसे करके इतने संघर्ष सहने के बाद उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, परंतु अब वह शिक्षा भी उनके अंत समय में किसी काम नहीं आ सकती थी। कर्ण को मिले श्राप। भगवान परशुराम के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकते रहे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। अभ्यास के समय कर्ण ने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और इस कारण वह बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और कार्य पर होगा। इससे ये समझ भी आता है कि प्रकृति भी कर्ण के विरुद्ध ही खड़ी थी। वो बाण जाकर उस बछड़े के ही क्यों लगा? इससे साफ पता चलता है कि कर्ण का अंत करने के लिए प्रकृति ने किस तरह से खेल रचा। अर्जुन से युद्ध। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य को शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युद्ध शिष्य प्रमाणित हुए। तभी कर्ण रंगभूमि में आ गए और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को द्वंद युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग राज घोषित किया जिससे वे अर्जुन से द्वंद युद्ध के योग्य हो जाएं। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के पश्चात महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के मध्य सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के मध्य तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के मध्य वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन के एक निष्ठावान और सच्चे मित्र थे। यद्यपि वे बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध क्रीड़ा में भागीदारी करते हैं, लेकिन वे आरंभ से ही इसके विरुद्ध थे। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करते थे और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देते थे कि वो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। कर्ण थे एक सच्चे मित्र, पर क्या दुर्योधन था? अगर आपको स्मरण हो तो दुर्योधन ने कर्ण को मात्र एक अवसर समझा था। कैसे? वो चाहता था कि अर्जुन की वाहवाही ना हो, इसीलिए रंगभूमि का आयोजन के समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित किया। और तो और, जब लाक्षा गृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए भी डांटते हैं और कहते हैं कि कायरों की सभी चालें विफल होती ही हैं, और उसे समझाते हैं कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करने चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर साफ पता चलता है कि कर्ण एक सच्चे मित्र थे, किंतु दुर्योधन हमेशा की तरह अवसर ही निहार रहा था। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले आया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पूर्व कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर दो टुकड़ों में बांट कर हो सकती है। कर्ण ने धर्म से लड़ने की बहुत कोशिश करी, किंतु उनके जीवन में किसी ने उन्हें अवसर नहीं दिए। तभी उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ केवल इसीलिए दिया क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को सच्चा मित्र माना और उसको परिवार दिया जो उसे पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। और तो और, युद्ध भूमि में केवल अर्जुन से ही सामना नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सामना भी कर्ण को करना पड़ा।
और यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने मानी कि अगर अर्जुन के रथ पर वे सवार नहीं होते और उसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त ना होता तो कर्ण को परास्त कर पाना अर्जुन के वश में नहीं होता। तो देखिए, एक योद्धा जो स्वयं सूर्यपुत्र हो, राजवंशी हो, और फिर भी उसे जीवन के हर मोड़ पर कभी अपनी माँ से, कभी गुरु से, कभी अपने सगे संबंधियों से, और तो और जीवन के अंतिम युद्ध में स्वयं ईश्वर ने भी मुख मोड़ लिया हो, तो ऐसे इंसान को आप अभागा नहीं तो और क्या कहेंगे। इसके अतिरिक्त कर्ण को समय समय पर एक सूत पुत्र होने का स्मरण कराया गया, किंतु फिर भी कर्ण ने धर्म के मार्ग को नहीं त्यागा। आपका कर्ण को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।